हे व्हाट्सअप एवरी वन एंड वेलकम टू एन एक्सेप्शन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री प्रो के एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कस्टम रोम यूज़ की है और उसका नाम है वी प्रोजेक्ट। तो खैर मैं इसमें बताऊँगा क्या क्या फीचर्स हैं और कैसा मेरे को अच्छा देखने को मिला है मीम यूआई से, और एंड्रॉयड स्कोर के बारे में बात करेंगे और सेफ्टी नेट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस सीधा चलते हैं अभी अबाउट फ़ोन में। तो इस रोम को जो है मैं काफ़ी 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ, पबजी वगैरह भी खेला है और बैटरी लाइफ भी मैं आपको बताऊँगा कैसा है। ओके, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाता है और ये भी बीटा स्टेट में, और सिक्योरिटी जो अपडेट है हमारा वो 5 नवंबर का है। और यहाँ पर SE Linux स्टेटस जो है हमारा एनफोर्सिंग है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो एंड्रॉयड 12 के काफ़ी सारे डिवाइसेज में देख रहा हूँ अभी एनफोर्सिंग अभी आया नहीं है। जैसे मेरे पिछले Realme 3 Pro है तो उसमें अभी परमर्सिव चल रहा था, लेकिन अब एनफोर्सिंग आ गया है। लेकिन पोको एक्स 3 Pro मैंने शुरू से ही एनफोर्सिंग देखा है, स्टार्टिंग में देखा था, शायद परमर्सिव फिर था शायद। ओके, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन नहीं देखने को मिल रही है अभी एंड्रॉयड 12 वाले अपडेट में, ये अभी बीटा स्टेट में। शायद कुछ अगले अपडेट में यहाँ पर कस्टमाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाए। आई थिंक 11 वाले में होगी, क्योंकि मैंने वी प्रोजेक्ट ये फर्स्ट टाइम यूज़ की है। वी प्रोजेक्ट मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, लेवेंडर्स में आया करती थी लेकिन मैंने यूज़ नहीं की थी कभी भी। ओके, तो यहाँ पर जो होम स्क्रीन देख रहे हो आप, होम स्क्रीन में एक मिनट, ये होम स्क्रीन आप देख रहे हो तो ये यहाँ पर वॉच फेसेस और ये आइकन्स ये आप कर सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको जाना हो स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में, तो ये थीम्ड आइकन को आपको इनेबल करना पड़ेगा, ये डार्क थीम सॉरी। अभी मैं यहाँ पर इसको ऑफ़ करता हूँ तो नॉर्मल आइकन्स हो जाएंगे हमारे जो फ्रंट में रहते हैं। ओके, तो ये रहे आइकन्स, ये सिर्फ होम स्क्रीन पर वर्क करेगा, वो भी कुछ सेलेक्टेड ऐप्स के लिए। जैसे गूगल के ऐप्स तो होते ही होते हैं, गूगल के ऐप्स तो ये करेगा ही करेगा, और जी कैम वगैरह भी कर लेता है, तो सारे ऐप्स नहीं करता है, गूगल के सारे ऐप्स करता है, इतना है। तो यहाँ पर मैं अभी इसको इनेबल कर देता हूँ और ये देखिए गूगल के सारे ऐप्स करेगा। जैसे मैं कोई भी ऐप रख लेता हूँ, गूगल फाइल्स रख लेता हूँ, तो ये गूगल फाइल्स भी करेगा। और यहाँ पर आपको क्लॉक के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको एनालॉग में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है और एडिट पर जाना है, तो एडिट पर जाने के बाद ये आपको जो है एनालॉग के वॉच फेसेस हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, तो ये देखिए वॉच फेसेस। तो यहाँ पर आप डिजिटल वगैरह भी हैं और एनालॉग के भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा और जाऊँगा विजिट्स में। विजिट्स में जाने के बाद मैं जाऊँगा क्लॉक्स में, तो ये एनालॉग है और ये डिजिटल है और ये स्टैक्ड है। तो यहाँ पर डिजिटल के नॉर्मल ही हैं, तो स्टैक्ड के मैंने देखे नहीं है। ओके, तो ये फील्ड है, एक नॉन फील्ड है, तो मैं एक बार ये वाला लगाऊँगा। ओके, तो ये एंड्रॉयड 12 या सैमसंग के डिवाइसेस में भी आता है ये। तो कुछ लोगों को ये वाला वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी फ़ोटो लगाते हैं वॉलपेपर पर, मैं नहीं लगाता कभी भी, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए उनको बहुत बेकार लग रहा होगा, तो वो शायद लगाते भी नहीं होंगे। तो ये उनको ट्रांसपेरेंट वगैरह अच्छे लगते हो, या छोटा सा जो वॉच फेस आ जाता है ऊपर ही वो ज़्यादातर रखते हैं। तो इसको अभी मैं रिमूव नहीं करेंगे, अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं CTS प्रोफाइल की। तो CTS प्रोफाइल फिक्स्ड है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर मेरा बैंकिंग ऐप्स अच्छे से काम कर रहे हैं, गूगल पे तो चल ही रहा है, फ़ोन पे चल रहा है, और पेटीएम तो चलता ही है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर डिवाइस सर्टिफाइड देख रहे थे, क्योंकि डिवाइस फिर सर्टिफाइड ही मिलेगा आपको। ओके, तो डिवाइस सर्टिफाइड देख सकते हैं आप, तो डिवाइस सर्टिफाइड है हमारा। तो फ़ोन में काफ़ी स्मूथनेस है, अच्छा चल रहा है, गेम भी मैंने खेल के देखा था वो भी अच्छा चल रहा है। तो मैंने अभी तक गेम में अभी तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग टेस्ट नहीं किया, तो बहुत लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और अपना वीडियो जो है अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप 60 to 120 कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर रेगुलरली 120 यूज़ किया है और मेरा बिल्कुल भी जो रिफ्रेश रेट डाउन नहीं हो रहा था। मेरे को याद नहीं हो रही, जो मैंने सबसे पहले रोम यूज़ की थी पोको एक्स 3 प्रो में, उसमें रिफ्रेश रेट एकदम से डाउन हो जाता था और डिवाइस जो है लैग हो जाता था। जहाँ तक मेरे को याद है वो फ्लूइड OS थी, जिसका टॉगल एकदम डार्क रहता था लाइट मोड में भी, तो वो एकदम से हमारा रिफ्रेश रेट डाउन हो जाता था, 120 से 60 पहुँच जाता था कुछ सेकंड्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो ओके, अब चलते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के ऑप्शंस में। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिंगरप्रिंट में, एकदम से क्विकली खुल जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉक में वही डायरेक्शन लॉक वगैरह मिलेगा, फेस अनलॉक नहीं मिलेगा आपको, वो अभी कुछ शायद टाइम में आ जाएगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट कुछ टाइम में शायद आ सकता है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे गेमिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो FPS आपको कंटिन्यूसली 60 मिलेंगे गेम खेलते में, बिल्कुल भी ज़रा भी लैग नहीं आएगा। मैं एक्चुअली स्मूथ पे एक्सट्रीम खेलता हूँ, मेरे पे रियलमी 3 प्रो था पिछला, तो उसमें स्मूथ पे अल्ट्रा चलता था, स्मूथ पे सिर्फ अल्ट्रा ही चल पाता था और बैलेंस पे भी अल्ट्रा चलता था, उससे आगे थोड़ा हाई हो जाता था बस। तो स्मूथ पे अल्ट्रा ही मैंने हमेशा वहाँ खेला है और इसमें भी स्मूथ पे एक्सट्रीम ही हमेशा से खेला है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है। तो अभी आप ये देख रहे होगे, तो ये ब्लू सॉरी पर्पल हो रखे हैं, ब्लू नहीं है पर्पल है। तो ये कैसे हुआ चेंज, तो ये सिर्फ मॉनिट पे बेस्ड है, आपका वॉलपेपर पे, आपका वॉलपेपर जिस तरीके का होगा वही होगा। तो इसमें पर्पल कलर की जो है मेजॉरिटी ज़्यादा है, प्रायोरिटी पर्पल को ज़्यादा दी गई है, तो इसमें सारा चीज़ जो है पर्पल हो गया है। तो आप कोई और वॉलपेपर लगाओगे तो उसमें जो है ये हमारा रेड, जैसे ये ऑन डिवाइस वॉलपेपर मेरा ये आया था, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ होम स्क्रीन पर। तो ओके, तो ये देखिए, तो ये रेड है और ये ऊपर का टॉगल रेड हो गया, तो ग्रेडिएंट में ये पिंक हो गए हैं। तो जो डॉग का जो बैकग्राउंड है ये वाइट था पिछला, और इस बार थोड़ा सा ये जैसे पिंक और वाइट का सॉरी ऑरेंज और वाइट का मिक्सचर हो जाता है ना, थोड़ा सा हल्का सा पिंक, तो वैसा हो गया है। ये मेरा बैकग्राउंड वाइट नहीं रहा और ये ऊपर का रेड हो गया है। तो ये मोनेट है। तो यहाँ पर एक्सेंट कलर नहीं है ऑप्शन, लेकिन मुझे एक्सेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। POSP में शायद जैसे एंड्रॉयड 12 में होता था, सॉरी POSP एंड्रॉयड 11 में अगर किसी ने यूज़ की होगी तो उसमें मोनेट भी है और एक्सेंट कलर भी है, लेकिन इसमें एक्सेंट हटा दिया, सिर्फ मोनेट है। ओके, तो यहाँ पर अब हम सीधा चेक करते हैं PUBG में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसी चल रही है, और उसके बाद हम N22 बेंचमार्क स्कोर पर भी आएंगे, वो मैंने टेस्ट कर रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर मेरा गेम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट करने जा रहा हूँ। ओके, ये रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डेड वॉइस भी करूँगा, माइक्रोफोन एंड ओके माइक्रोफोन तो अभी है नहीं मेरे पास, डिवाइस ऑडियो ही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अब दिखा लेता हूँ अपने ग्राफिक्स को, तो स्मूथ पे एक्सट्रीम है तो इसको ही मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं गेम। तो देखिए कंटिन्यूसली आपको 60 FPS मिलने वाले हैं और टच इशूज़ का भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आया था, मतलब टच इशूज़ मेरे को देखने को नहीं मिले थे। तो देखिए कंटिन्यूसली 60 FPS मिल ही रहे हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे को गेम खेलने में, काफ़ी सारे मैच ही मैंने कल खेले थे। ओके, तो यहाँ पर बहुत देर हो गई है और यहाँ पर अब हम 1 मिनट 26 सेकंड की स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया है, तो अब यहाँ पर हम चेक कर दें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। कभी कभी होता है यार कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन जब रिकॉर्ड हम रिज़ल्ट देखते हैं तो उसके बाद जो है हमें फ्रेम रेट में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है। ओके, तो प्रोसेसिंग हो रही है, स्टॉप पर टैप करना पड़ता है। ओके, प्रोसेसिंग इतना टाइम नहीं लगता है, पता नहीं शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई इशू हो। ओके, तो यहाँ पर हो गया है पर इतना टाइम नहीं लगता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पता नहीं क्यों लग गया इसमें। ओके, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और यहाँ पर आपको आवाज़ भी आ रही है सिस्टम साउंड्स की।
ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी, और डिवाइस भी आपका सर्टिफाइड है तो आप बैंकिंग ऐप्स वगैरह यूज़ कर पाओगे। मेरा गूगल पे अच्छे से काम कर रहा है, तो गूगल पे में लॉग इन वगैरह नहीं होता है तो इसीलिए दिक्कत करता है अगर डिवाइस आपका सर्टिफाइड ना हो तो। तो यहाँ पर कैमरा गो मिला है तो ये काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेता है, कुछ दिक्कत नहीं आती है मेरे को फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने में, क्योंकि काफ़ी सारी फ़ोटोज़ ली थी इससे मैंने और वीडियोस वगैरह शूट नहीं करी। तो कनेक्ट, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वाईफाई मेरा वर्किंग है, मोबाइल डेटा मेरा वर्किंग है, ब्लूटूथ मैं चेक नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वायर्ड वाले हैं, मेरे पास TWS ना फिर कोई भी वायरलेस नहीं है कुछ भी, तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता इसीलिए। बाकी यहाँ पर रोम काफ़ी अच्छी है, और किसी किसी रोम्स में आपने देखा होगा मोबाइल डेटा का और वाईफाई का दोनों का कंबाइंड है, तो इसमें आप अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया तो ये वाला ऑप्शन वाईफाई और ये, तो आप इसको हिडन कर दीजिए इस वाले ऑप्शन को, इस वाले फीचर को, और ये वाले दोनों टाइल से ऐड कर दीजिए, मैं इतनी सी बात है। और चार्जिंग वगैरह भी काफ़ी फास्ट हो रही है। अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करता हूँ तो आपको सिंपल वाइप करना है, इंटरनल स्टोरेज को वाइप मत करना, इंटरनल स्टोरेज को वाइप मत करना, और यहाँ पर आपको सिंपल रोम फ्लैश करनी है और गैप्स आपको इसमें इंक्लूडेड मिल जाते हैं, तो आपको जी एप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइप करना है आपको, रोम फ्लैश करनी है, देन आपको फॉर्मेट करना है और सिंपल आपको रिबूट कर देना, आपकी रोम जो है बूट हो जाएगी, देन आप यूज़ कर सकते हो। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती हो तो आप मेरे को PM भी कर सकते हो, और नीचे जो है लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसे आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पर अपना डिवाइस रिलेटेड आप कोई भी इशू वगैरह पूछ सकते हो। तो बस गाइज यही था आज की वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।